हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय भंडारी। देखिए, आज निफ्टी पे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे हम, एक हिसाब लेंगे। 10-15 दिन के हिसाब से हम स्ट्रेटजी को बनाएंगे। 10-15 दिन के अंदर हमें उसमें से एग्जिट ले लेना है अपनी स्ट्रेटजी से। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है हेजिंग स्ट्रेटजी विनय भंडारी, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिए। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है हेजिंग स्टडी, इसमें जरूर जुड़िए, जिसमें लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये ब्लॉग है winymondari1.blogspot.com, इसमें आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। ट्विटर हैंडल है बाय हेजिंग, व्हाट्सअप नंबर 9699646408। तो सारे प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ जरूर जुड़िए, जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। चलिए, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये आ गए हम अपने निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखेंगे, आज पूरे दिन भर एक रेंज में बाजार को चलाया। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ पर, और ये जो सेलिंग प्रेशर अगर आप देखेंगे, यहाँ ये एक सेलिंग बना, इसने काम करके दिया है बाजार में। और फिर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बना था बाजार में, लेकिन लास्ट के आधे एक घंटे के अंदर, आधे घंटे में अगर आप देखते हैं, तो बाजार ने ऊपर की तरफ रुख बनाया है, एक बाय का सिग्नल जनरेट करके दिया है। क्या दिया? बाय का सिग्नल हमें जनरेट करके दिया है बाजार ने। इंट्राडे चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे आज। ये देखिए, ये हमारा है डेली चार्ट। डेली चार्ट दिखाने से पहले एक मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले वीकली चार्ट। ये देखिए, वीकली चार्ट में अभी भी हमारा जो है बाय ही चल रहा है, अभी तक हमारे को सेल सिग्नल नहीं मिला है वीकली चार्ट में। मंथली चार्ट दिखाते हैं, मंथली चार्ट। ये देखिए, मंथली चार्ट में भी अभी मतलब बाय नहीं मिला है, ना ही सेल है, प्रॉपर सेल नहीं मिला है। प्रॉपर सेल जो हमें मिला था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, ये जो सेल मिला था इसने अपना काम करके दिया था, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें बाय जो इसे बोलते हैं मंथली चार्ट में, बाय सिग्नल हमें नहीं मिला है। हम क्या करेंगे, डेली चार्ट के हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे। हम जो ट्रेड अभी बना रहे हैं वो डेली चार्ट के हिसाब से बनाएंगे। हम डेली चार्ट पे अपने आ गए। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, हमें ये देखिए, डेली चार्ट पर जो बाय सिग्नल मिला था वो ये मिला था, ये दिख रहा होगा आपको। डेली चार्ट पे बाय सिग्नल मिला था और वो हमारा 9200 के आसपास हमें बाय सिग्नल डेली चार्ट पे मिला था। और वो कहाँ तक हमारा काम करके दिया है, अब आप ये भी देख लीजिए, जो बाय सिग्नल आपको दिख रहा होगा, ये इस लेवल तक बाय सिग्नल ने काम कर दिया है, 11500-600 के आसपास तक, 11500-600। देखो, जो 9200 में हमें बाय सिग्नल मिला था डेली चार्ट में, उसने 11500 से 600 के बीच पे हमारे को सेल दिया है। अब जो सेल सिग्नल डेली चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये सेल सामने ये दिख रहा है हमारे को डेली चार्ट पे, ये सेल सिग्नल मिला है। अब ये सेल सिग्नल के हिसाब से हमने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब ये स्ट्रेटजी जो बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, वो थोड़ा सा एक बार मैं दिखाया था आपको। देखिए, हम अभी के लिए फिलहाल अगर मैं निफ्टी के अप सपोर्ट की बात करूं, तो सबसे पहले जो सपोर्ट आता है वो आता है ये 11000 के पास में, सही है, एक 11000 के पास में निफ्टी का सपोर्ट है। अब थोड़ा सा और थोड़ा दूर कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और दूसरा सपोर्ट पता चल जाए 11000 के पास में। दूसरा सपोर्ट हमें ये दिख रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट है, ये जो रेंज है ये है 10800-10700 के आसपास, 10700 से 800 के आसपास का रेंज है, 10700 से 10800। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं, कि 10700 से 10800 के आसपास का हमें एक सपोर्ट है। तो अब अगर मैं पहले सपोर्ट की बात करूं, तो 11000 का सपोर्ट है, ओके। दूसरा सपोर्ट हमारा है 10700 ले लेते हैं, चलिए 10700। तो ये हमारा सपोर्ट है। अब हमें पता है कि बाजार ने रुख नीचे की तरफ का करा है डेली चार्ट में, लेकिन वीकली पर अभी भी बाय है। वीकली चार्ट
पर हमारे को सेल सिग्नल नहीं मिला है तो हम बहुत ज्यादा नीचे की पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक पोजीशन कैसे बनाएंगे, क्या काम करेंगे, वो चीज समझ लेते हैं पहले। देखिए अब हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो व्यू रहेगा वो रहेगा 10,700 से ऊपर का। अभी हम कहां पर हैं, 11,400 के पास में है, 11,400 के पास में है हम। अब यहां से हमारा जो व्यू है वो है 10,700 से ऊपर हम रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अब ऊपर कितने जाए, 12,000 जाएंगे तो भी हमें प्रॉफिट होना चाहिए, 11,000 रहेंगे तो भी प्रॉफिट होना चाहिए, 11,200, 300, 400, 500, 700 जहां भी रहेंगे वहां हमें प्रॉफिट होना चाहिए। अभी हम सपोर्ट को पकड़ के काम कर रहे हैं, 10,700 का सपोर्ट है, ये सपोर्ट पकड़ के हम काम करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी वो ये रहेगी कि 10,700 से ऊपर हम रहेंगे तो हमें प्रॉफिट होना चाहिए, ओके। उसके नीचे जाएंगे तो हमारा लॉस शुरू होगा। अब हम करेंगे क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप जरूर जुड़िए जिससे आप बेनिफिट ले सकें। अगर आप देखेंगे ये आज 7 सितंबर है, आज हमने क्या बोला था, सुबह सुबह बैंक निफ्टी शॉर्ट करने के लिए बोला था, और उसके साथ में या फिर क्या, या तो बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर हम 23,000 का पुट भी बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में अगर काम किया होगा, जिसने भी काम किया होगा तो बेनिफिट ले सकता है। हमने ये पोजीशन बनाई थी, बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करा था, 23,000 का पुट भी लिया था, तो दोनों में हमारे को सुबह सुबह ही प्रॉफिट मिल गया जिसमें हम एग्जिट भी लिया। आपने देखा होगा निफ्टी बैंक निफ्टी 23,000 से काफी अच्छा नीचे की तरफ 700 के आसपास आया, ओके। तो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट थोड़ा बहुत एजुकेशन पर्पस के हिसाब से जरूर मिल जाएगा, ओके। देखिए ये आ गए हम, आज है 7 सितंबर, ये आ गए निफ्टी में, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 11,355 क्लोजिंग दिया है, तो हम चले जाते हैं 350-400 के आसपास चले जाते हैं, 11,400 ये आ गए 350-400 के आसपास में। हमने काम क्या करना है वो चीज़ सबसे पहले समझनी है कि हम ट्रेड क्या लेंगे। तो ट्रेड हम काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रेड्स की पोजीशन बना रहे हैं, तो थोड़ा समझ के लीजिए कैसे करना है, काम क्या करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको इधर बता देता हूँ, 11,500 ये जो पुट है इसे हमने करना है बाय, सही है, ये पुट हम बाय करेंगे, एक ही लॉट बाय करना है इसका, ओके।